हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 21 जून, और ये जो टाइम हो रहा है ना, सुबह के करीब बज गए हैं 6:30। सो फ्रेंड्स, 6:30 बजे मैं उठी थी, और आज सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे, उठते के साथ ही मुझे मशीन की याद आई। तो एक्चुअली मैं मेरे कपड़े नहीं धुले थे 2-3 दिनों से ना, तो मैं या तो कपड़े बिल्कुल सुबह धोती हूँ या फिर बिल्कुल शाम को धोती हूँ। तो 9-10 बजे के बाद मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो मैंने जो है ना किया क्या, मतलब सुबह सुबह ही मशीन लगा दी है। सो अभी जो है ना पानी भी चल रहा है, अभी मोटर में पानी भी आ रहा है, तो मैंने फटाफट से उसमें पानी भर दिया है। अभी इसमें 2-3 स्पून मैंने सर्फ़ डाल दिया है, और इसके बाद जो है ना ये कपड़े छांट कर रख दिए हैं। पहले छोटे छोटे कपड़े ऐड कर दूँगी इसमें, उसके बाद बाकी ये कपड़े बाद में डालूँगी। तो पहले छोटे छोटे कपड़े इसमें डाल दिए हैं, जब तक इनके राउंड घूमेंगे ना, तब तक 1-2 राउंड इनके घूमेंगे, तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद जो है ना बाकी का काम कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन। सो फ्रेंड्स, मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, अभी जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू जो है ना कमरे के इधर इधर साइड ही लगेगी, क्योंकि अभी जो है ना उसमें खाट वगैरह बिछी हुई है ना, तो इतना स्पेस होता नहीं है। तो इधर की साइड मैंने झाड़ू लगा दी है, और पंखा दोबारा चला दिया है, क्योंकि बच्चे जो है ना सो गए हैं, सो ही रहे हैं अभी, मतलब उठे नहीं हैं, और पतिदेव भी सोए हुए हैं, मतलब मैं ही उठी थी सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दी है। तो झाड़ू लगाने के बाद बस किचन में ही मैं थोड़ा सा पोछा फेर देती हूँ। उससे क्या है ना कि मतलब मैं नहा के पूजा पाठ आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पूरे घर में पोछा नहीं लगा पाऊँगी। बच्चे सो रहे हैं, जब तक खाट वगैरह नहीं बिछेगी ना, उठेगी ना, तब तक जो है ना नहीं लगा पाऊँगी पोछा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब लगा दिया है। मशीन में जब तक राउंड घूमेंगे ना, तब उस बीच तक मैं नहा लूँगी आराम से जो है ना। नहाने के बाद सीधा जो है ना खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि अब जो है ना पतिदेव जाने लग गए हैं, तो लंच वगैरह लेकर तो जाते ही हैं अभी। सो फ्रेंड्स, नहा लिया है मैंने, और दिया बाती भी कर दी है, अभी जो है ना आ गई हूँ किचन में वापस से। तो फली वगैरह मैंने रात को ही काट कर रख दी थी, तो आलू और फली की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज। तो यहाँ पर जो है ना आलू कट कर रही हूँ फटाफट से, और उसके बाद जो है ना प्याज लहसुन को इसको चॉप करना है। उधर गैस पे मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी साथ साथ में, तो जो है ना जब तक चाय बनेगी उस बीच तक जो है ना सब्ज़ी मेरी सारी कट हो जाएगी। तो ये फली वगैरह की ऐसी सब्ज़ी होती है, इसको हम अगर रात को ही काट के रख देते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। ये सब चीज़ सुबह तो कटती नहीं, और इनमें टाइम भी बहुत लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है छोटा सा, और 2-3 जवे लहसुन के, और प्याज और टमाटर, तीनों चीज़ों को ही मैं साथ में चॉप कर दूँगी। तो अब जो है ना चॉपर है, तो चॉपर से मुझे दिक्कत भी नहीं होती, जल्दी जल्दी फटाफट से सारा काम हो जाता है। सो फाइनली सारी सब्ज़ी मेरी कट गई है, और ये लहसुन प्याज टमाटर तीनों चीज़ों को मैंने चॉप भी कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने कुकर में ऑयल चढ़ा दिया है, और ऐसी सब्जियों में थोड़ा ऑयल भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जब सही सा तेल होता ना, तभी थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया है साथ में ही। तो ऐसी सब्जियों में हमेशा ही मैं काट के डालती हूँ, उसके बाद ये सूखे मसाले मैं ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च और हल्दी। सो देखिए, मसाला जो है ना मेरा अच्छे से भुन गया है, और कुकर में इस वाले में मसाला जलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से भुन जाता है। सो यहाँ पर मैंने फली और आलू दोनों चीज़ों को है ना ऐड कर दिया है। अभी मैं कुछ देर के लिए इनको कसाऊंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी छोड़ने के बाद मैं इसमें जो है ना पानी ऐड करके इसमें लगा दूँगी 2-3 सीटियाँ। सो फ्रेंड्स, सब्जी में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है, अभी जो है ना कुकर में लगा दूँगी सीटियाँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि मतलब हर सब्ज़ी को कुकर में बना के सीटियाँ लगाना, सो वो इसलिए है क्योंकि क्या है ना कि ये सब सब्जियाँ जो है ना वैसे नहीं बनती हैं, वैसे में बहुत ज़्यादा गैस खर्च होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर आप देखना कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, ये देखिए बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। आलू वगैरह सब अच्छे से गल जाते हैं, क्योंकि आधी कच्ची सब्ज़ी खाते हैं ना तो पेट में दर्द रहता है, तो इसीलिए सब्जी को पूरे अच्छे से गलाना चाहिए, और सीटी से अच्छे से गल जाती है।
सो फ्रेंड्स, मेरी सब्जी अच्छे से बन गई है और मैंने टिफ़िन में करके ना उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। इधर जो है ना, जब तक सब्जी ठंडी होती है तब तक रोटियां सेक लेती हूँ। तो आजकल जो है ना, उनके पेट में थोड़ी दिक्कत है अभी, तो खाकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लेकर जा रहे हैं टिफ़िन में। तो बस उनके टिफ़िन के लिए ही रोटियां बनाऊंगी, बाकी की सारी रोटियां मैं गरम गरम बनाऊंगी बाद में, जब भी हमें खानी होगी। सो अभी जो है ना, बस मैं टिफ़िन के लिए रोटियां सेक देती हूँ। इधर जो है ना, मेरे मशीन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा राउंड में घूम गए हैं, तो 2-3 राउंड के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तभी इकट्ठे खंगाल के है ना, उनके बाद जो है ना इनको सुखा देती हूँ। सो बस कपड़े सुखाऊंगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगा दूंगी और मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। एक्चुअली मैं धैर्य को तबीयत ख़राब है, धैर्य की तबीयत जो है ना रात से ही 3 बजे से ख़राब है, उसकी ना लाइटिंग लग गई हैं दोबारा से। एक्चुअली मैं जब इसने बुखार की दवाई तो खाई होंगी ना, वो थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई हैं, उससे जो है ना इसका पेट चल गया है, मतलब लैट्रिन वगैरह लग गई है, तो इस वजह से ना उसको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं बच्चों की वजह से इतनी परेशान हूँ ना, क्योंकि मौसम, इस मौसम का सबसे ज़्यादा असर मेरे ना बच्चों पर ही पड़ा है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और उर्वी भी और धैर्य भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे टिफ़िन वगैरह तो पैक हो गए हैं, अभी बस मैं सब्ज़ी निकाल के रख दूँगी, किचन को फटाफट समेट देती हूँ, फिर पोछा लगा दूँगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है सारा, अभी करीब बज गए हैं 10, करेक्ट 10 बज गए हैं, देखो बिल्कुल 1 मिनट ना ऊपर ना नीचे, आवाज़ मंदी कर बेटा। सो अभी जो है ना, बच्चों को नहला दिया है, धैर्य भी नहा लिया, धैर्य नहा लिया, हेलो बोलो, तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, रात को 3 बजे से इसको लैटरिन लग गई, मतलब लूज मोशन हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए, शायद दवाइयाँ गर्म थी ना, इस वजह से दवाइयाँ गर्म थी, इस वजह से रिएक्ट कर गई हैं इसको रिएक्शन, तो इसी वजह से इसको दवाई दिलवाने फिर से जाना है। तो अभी मैं तो हो गई हूँ रेडी, तो बस खाना वगैरह नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया अभी, तो बस जा रही हूँ उसको दवाई दिलवा के लाऊँ पहले। और इसकी तबीयत ही पता नहीं कैसी हो रही है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, देखो अभी खांसी हो रही है इसको, देखो बस। चलिए फ्रेंड्स, अभी 10 बज गए, मेरे सारे कपड़े वगैरह पहले इसको दवाई दिलवा के ले आऊँ, क्योंकि इसकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी ना, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। इसको दवाई दिलवा दूँगी ना, तो ये दवाई खा के थोड़ा सा सो जाएगा, इसको थोड़ा आराम भी मिलेगा। तो अभी जो है ना, बस जा रही हूँ, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता नहीं क्या होता है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, घुमस्सी हो रही है, ऐसे होता है ना, घुमस्सी हो रही है, तो हो सकता है बारिश भी आए, तो बारिश आ जाएगी तो थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको दवाई दिलवाला हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो लेकर आ गई थी दवाई यहाँ पर, और इसका दवाई देने का तरीका देखो, मतलब मुझे है ना अच्छे से पकड़ के जकड़ के इसको तब दवाई देनी पड़ती है, अदरवाइज लेता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है दवाइयाँ देने में, और दवाई देनी ज़रूरी है, दवाई नहीं दूंगी तो जल्दी से ठीक भी नहीं होगा। सो अभी जो है ना, उर्वी की भी दवाई दिलवा कर लाई हूँ, तो इसको भी दवाई दे दूँगी, ये भी अपनी दवाई जो है ना खा लेगी। सो ये डॉक्टर को मैंने बोला था कि इसको जल्दी से ठीक करो, कि अगर दवाई ठीक नहीं है तो दूसरी चेंज करके दो, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को दवाई वगैरह दे दी है, मेरा सारा काम ख़त्म, अभी मैं जो है ना खाना खाने जा रही हूँ। तो देखिए, आलू फली की सब्ज़ी ले ली है, रोटी ले ली है, तो मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी सिलाई वगैरह लगूँगी करने, क्योंकि सिलाई वगैरह के कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं तो बैठ गई हूँ खाने। सो ये जो टाइम होता है ना, 5-10 मिनट जो मतलब खाना खाने के सुकून से, ये होते हैं, और इसमें भी कभी कभार बच्चे अगर खाने दे तो खाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं खाया जाता है, क्योंकि बहुत बार बहुत पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, और खाना खाते वक्त भी है ना टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जो टीवी देखते देखते खाना खा रही थी, और मेरे को जो है ना टीवी देखने, खाना खाने में टीवी देखने बहुत अच्छा लगता है, जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ। और इसके बाद जो है ना, लाइट चली गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लाइट चली गई, इतनी दिक्कत हुई ना गर्मी की वजह से। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो खा लिया है, अभी जो है ना बस बैठ गई हूँ कटिंग करने। तो ये कस्टमर का सूट है, ये मुझे कल ही देना है, तो इस वजह से ना मैं इसकी कटिंग करने बैठ गई थी, और इस वक्त जो है ना लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद करीब 2-2.5 घंटे में लाइट आई, और गर्मी की वजह से परेशान, और धैर्य तो है ना सो गया था, मतलब क्या है ना, उसको दवाई से नशा हो गया तो वो सो गया था, लेकिन वो गर्मी की वजह से सो तो रहा था, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा था कि पता नहीं कैसे सो रहा होगा। मैं बार बार बच्चों को बोल रही थी कि थोड़ी थोड़ी उसकी हवा करते रहो, मैं तो बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं उनको बोल रही थी कि आप थोड़ी थोड़ी सी हवा कर दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो चैन से सो जाएगा। और लाइट वैसे हमारे यहाँ कभी जाती नहीं है, आज ही गई थी, इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे कभी भी, आज गई, और आज जाने के बाद है ना करीब 2.5 घंटे में लाइट आई।
सो यहाँ पर सलवार की कटिंग मैंने कर ली है, सूट की कटिंग भी कर लेती हूँ, तो दोनों चीज़ों की कटिंग करके रख लूँगी ना, तो जब तक लाइट भी नहीं आती है तब तक आराम से ये सिल जाएगा। मैंने क्या किया ना, गर्मी की वजह से मैंने मशीन को बाहर ही रख लिया था, और ये जो है ना खिड़की का एरिया है मेरा वॉश बेसिन वाला, ये तो आपने देखा ही है, तो यहाँ पर बैठ गई थी मैं सिलने के लिए, तो मशीन को बाहर लेकर आ गई थी ना, तो थोड़ा लग रहा था, लेकिन अंदर जो है ना गर्मी तो थी, ऊपर से अंधेरा भी था, लाइट नहीं जल पा रही थी ना, इस वजह से नहीं हो पा रही थी सिलाई। और सिलाई मुझे करनी अर्जेंट थी, ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे ये देना है सूट कल, तो मैं इसको सिलूंगी ही आज, तो बस इसी वजह से ना मैंने बाहर मशीन रख ली थी। और ऊपर से बच्चे इतना चिल्ला चाट मचा रहे थे ना, जब गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा बच्चे भी परेशान करते हैं, क्योंकि टीवी नहीं चलता ना, तो इनका ध्यान सारा ना मतलब दंगे आलबाजी में इनमें रहता है। लेकिन मैं कितना डांटूं इनको ना, ऊपर से धैर्य को बार बार पोटी आ रही थी, मतलब जैसे उठ गया था ना धैर्य थोड़ी देर बाद ही, तो उसको बार बार पोटी आ रही थी, अभी भी उसकी लैट्रिन जो है ना ढंग से बंद नहीं हुई थी ना। कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान मैं हो जाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि मतलब इतनी परेशानी एक साथ कैसे आ सकती है। मतलब बच्चे अगर ठीक रहे ना तो सही रहता है, लेकिन बच्चे बीमार है ना तो बस खुद भी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्या हो रहा है, तो मेरा बच्चा परेशान है ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है सच में। तो ये सब काम करते करते ना मुझे करीब 2 बज गए थे, करीब 12:30 बजे मैं लगी थी, सूट सलवार दोनों सिल गए थे 2 बजे तक, 2 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और जैसे ही मैं फ्री हुई ना, तभी तक 5 मिनट पहले ही, उससे पहले ही लाइट आ गई थी, और मैं भी जो है ना थोड़ी देर के लिए आराम मतलब रिलैक्स कर लिया था, मैंने बिल्कुल आराम कर लिया था आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे भी ज़्यादा नींद नहीं आती दिन में, तो इस वजह से ना मैं भी नहीं सो पाई, तो बस थोड़ी देर के लिए आराम किया, फिर उसके बाद शाम के काम हो गए थे स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे सूट सिल गए थे करीब 2 बजे तक, तो इस वाले वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।